सेवा करते की बनाई चाहिए गेल की गेल ये आज समझो सेवा कर रहे हो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। सो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, टाइम हो रहा है 8 बजे का टाइम मिनट, और मैं नहाकर तैयार हो चुका हूँ। 8 बजे उठ गया था और नहाकर तैयार हो चुका हूँ प्रॉपर। सो आज संडे और केड़े बाबू जी जाना माता देखने सब आ रहे हैं लोग। केड़े बाबू जी सीन खिंचा रहे हैं, स्नान करवा के दिखाता आपको। तो फाइनली यार देख सकते हैं आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और हमारे कुत्ता जी हमारे दोस्त प्रिया केड़े बाबू जी में खड़े हैं आराम से, और एक नीचे घूम रहे हैं, और सब लोग माता टेक के आ रहे हैं जा रहे हैं बस यार। और आज तो मौसम भी ठीक ठाक से ठंडा हो रहा है बिल्कुल। जल्दी से मैं भी चलता हूँ घर वाले माल टेकता हूँ, उसके बाद बाबू जल अर्पित करता हूँ, पितृ बाबू जी को जल अर्पित करता हूँ, और खेड़े बाबू जी को स्नान करा के आता हूँ, और फिर मिलता हूँ आपको वापस घर पर आकर। पानी बाल्टी और गड्ढे में मम्मी रखकर यहाँ पर, ताकि खेड़े बाबू जी को स्नान करवा सको जाके। और पापा के ये तो पापा का है, मतलब पापा जाएंगे ना हल्दी हल्दी चौल लेके माथा टेकेंगे, मैं तो स्नान करवाता हूँ सिर्फ सिंपल, और पापा जी चुनों में माथा टेक के आ जाता हूँ। तो जल्दी चलते हैं और माथा टेक के आते हैं, आपको मैं माथा टेक के आके बाद में मिलता हूँ। मैं तो वापस आ गया हूँ और गड़बी भर कर दिया यहाँ पर दोबारा दूध पाके, वैसे ही पापा कह रही है कि पापा जाएंगे ना खेड़े बाबू जी को स्नान कराने, इसलिए सो अब मैं चलता हूँ अंदर, और मैं अंदर जाके खाना खाता हूँ जल्दी से। बस मेरा खाना डाल दो, खैर डाल लिया, बस परौंठा नहीं खाऊंगा अपने तो, सिंपल रोटी चलेगी। मम्मी खा रही है आराम से यहाँ बैठ के, देखो मेरी रोटी भी डाल दी। सर खाना मैंने खा लिया और थाली भरे हुए बाहर। सो आज गुरुद्वारा साहिब जी में पाठ आज शायद होगा, मतलब जो कर रहे थे ना पाठ से, मतलब साहिब जादव जी के लिए। तो आज वो शायद 9:15 पर हो गया उसका। सो चलेंगे हम भी, देखेंगे अभी तो टाइम पड़ा है, तो चलेंगे ऐसी कोई। इसने बुलाना आया था भाई साहब, मैं सोच रहा था जो भी जावा। ये देखो भाई, ये मैंने इसको दिया है अपने भाई को, पर ये चुप झूस रहा है। ये देखो चुप झूस रहा है बंदा, ये भाई यहां देख एक और देख दिख गया अरे ना तुम जावागा। यस ब्रो, तो करना चल चल हम दोनों चलेंगे, ठीक है। ओ देख चॉकलेट दे दी उसकी करनी हो गया, देख तेरे भी चॉकलेट देगा उसके नहीं हो गया, दो दे चॉकलेट तेरे करनी हो जाऊंगा। ले यो लेनी चॉकलेट लेनी है मेरे पे भी, देखियो 9 नंबर यो देख 11 नंबर आ तो ये राक्षस जी। हियर इज दूध एंड हियर इज हिज ब्रदर। तो फिलहाल तो यही काम है यार, बाहर से पकौड़े चक के अंदर रख रहे हैं मेज पर तख्त उस पर, और आधे ही पड़े हैं बाबा जी प्रसाद लेने का भी भोग। तो वो यार खड़े हैं यहाँ पर नाम से, और बाबा जी ने कढ़ाई रख दिया और प्रसाद बनाएंगे बाबा जी। अब तो अभी ये कच्चे हैं यार, बाद में पक्के करेंगे, जिस टाइम लोग खाएंगे ना तो पक्के कर करके देंगे, तो इन्हें यहाँ रखना। और शाहवीर जी सेवा करते हैं यहाँ पर, अंदर से पकौड़े लेकर आ रहे हैं, पक्के करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब टाइम हो गया, बस लोग आएंगे और पक्के कर करके देते रहेंगे सबको प्रसाद।
तब तक पोस्ट पूरा यार भाई साहब भर गया था। सो अब लेके जा रहे हैं बाहर चख रख के यहाँ से, और पके रख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फैला के नून पे ना चाट मसाला गिर के फिर डब्बे में रख रहे हैं इनको। सो अंकल जी लगे पड़े हैं सुबह। तो फाइनली यार अब अखबार चाहिए थोड़े से, सो दुकान पे जा रहे हैं और अखबार लेके जल्दी चलते हैं वापस। तो यार अखबार लेके आ गए तो इसलिए चाहिए थे क्योंकि इसके ऊपर बिछाने थे, इसके ऊपर बिछाने के लिए अरेंज हो गए थे, बट तख्त पर उसके ऊपर उठा रहे हैं तो थोड़ी साइड में जगह ख़त्म हो गया, बच गया है यहाँ पर। यहाँ पर बिछा कर अब ये तले हुए पकौड़े रखने स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि वो तो सारे उठ गए हैं। तो फाइनली यार अब ये दास सब खड़े हैं, सो हम भी खड़े हैं, अपना दास हो रही है सेवा करते की बनाई चाहिए गेल की गेल कहते आज सुन लो सेवा कर रहे हो। तो फाइनली यार सेवा तो करवा दी, सब ने बांट भी दिया, हम जितने ने खाया जा रहे हैं, थोड़े बहुत रह गए जो आ रहे हैं, और शाम तक भी लगा बड़ा सेवा है। सब हम खा रहे हैं अपने पकौड़े और भी साथ ठीक ठाक, और भी सब ठीक ठाक। तो फाइनली यार हमने तो कर ली सेवा, अब तो तीन चार बंदे रह गए इधर, यहाँ उठानी थी ये हमने उठा के रख दी साइड में, दो को रह गया जिन पे लोग बैठे हैं। सो शनि रवि सेवा करवा रहा है। तो फाइनली यार ये बंदा मुझे क्या कह रहा था, मुझे कुछ काम है, मैं कह रहा था कुछ आप इकट्ठे चलेंगे, कह रहा मुझे कुछ काम है जाना है ये काम से। देखो क्या खतरनाक बंदा है यार, बस खेल रहा है यहाँ पर माल पारा सिर पे। सो देख सकते हो बार तब ये पहनू यार, ये ठंड हो रही है आज, धूप नहीं निकली ऐसे तो रोज़ धूप निकलती है बट आज निकली, आज ठंड हो रही है बहुत खतरनाक वाली। सो वहाँ तो गुरुद्वारा साहिब जी में सब प्रोग्राम निपट गया था, अचानक आए सब भीड़ सी आई एकदम से, हर एकदम से सारा साफा चट हो गया। सो इसलिए मैं आपसे घर आ गया, सामने तो मैं ही है, तीन चार लोग बैठे थे मतलब चाय, वो तो चाय बांट रहा था ना इसलिए हम ब्रेड बांट रहे थे, इसलिए मैं तो आ गया, जा नहीं रहा था वो वहीं पर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, बस इसी ने। सो हाँ फ्रेंड सर मैंने खा ली खिचड़ी में दोगे ने खा, थोड़ी थोड़ी खाई मैंने तो बस एक कोली खाई होगी मुझके से, दो कोलियाँ खाई बस थोड़ी थोड़ी सी। और आज तो मौसम में तो भाई मचा रखी है भाई साहब, 1% क्या 0.01% भी धूप निकली सुबह, मम्मी मूलियाँ तो तोड़ रही है हफ्ते मतलब मूली हो गए, और मौसम देखो भाई साहब तो वही मचा रखी आज तो मौसम। तो यार जल्दी शूज़ पहनते हैं, अब गुरुजी का फ़ोन आया था कह रहा जल्दी आ जा शूज़ पहन के खेलते हैं, सो मैं जल्दी शूज़ पहनता हूँ और फिर चलते हैं खेलने के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड में, जल्दी से चलता हूँ ग्राउंड में ही कह रहा है, ग्राउंड में मिलेंगे। मम्मी तो यहाँ साग चीर रही है, साग लेके आए थे पापा चीर रही है मम्मी तो, रात उन्होंने आ गया मम्मी साग ठीक। फाइनली यार ग्राउंड में पहुंच चुके हैं हम, आ चुके हैं पहला कदम हमारा ग्राउंड के अंदर। सो आज तो बच्चा पार्टी भी है बहुत ज़्यादा, वो भी जिसने क्या ला नमस्ते गुरु जी ठीक है क्या फिलहाल तो बैटिंग करेंगे यार, और ये खेल रहे हैं। तो फाइनली यार वापस आ गए घर पर, और यहाँ पर सदा गांव जी खेल रहे हैं, मौसम देखो खतरनाक हो रखा है, भयानक वाला बादल ही बादल छा रखे हैं, वैसे परेशानी की तैयारी में थी बटाई नहीं। ले ले आ जा फोन ले जा ले 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 जा लचित जी महाराज लचित जी ले ले कर भी आ थका ए साग रख दिया। तो फाइनली यार अनमोल और लुईस आ रखे हैं, सो इन्होंने मेरा फोन आया था आज, मैंने कहा रहा हूँ सर तो मैं आ गया, सो अब यहाँ पर अपना बोल के साथ खेल रहे हैं। घर वाले मंदिर माथा टेक लिया और दिया जला दिया मैंने, और माथा भी टेक लिया। सो अब हम जाएंगे खेड़े बाबा जी पर दिया लगाने और धूप जलाने, सो धूप यहाँ भी जला दिया आज तो जल्दी चलते हैं और खेड़े बाबू जी में मदर लेके आते हैं और चलते हैं जल्दी। आ रहे हैं बंदे यार खेड़े बाबू जी पर, तो आ रहे हैं जा रहे हैं दिए जला जला के, और क्या भी
तो हम यहाँ सूप की दुकान पे थे यार बर्गर वाले भाई की। तो आज एक उम्र की नई गाड़ी आ रही थी बेलानो जो कि आ चुकी है, जो कि आ गई। तो ये हमारे जी हमारे महाराज मोटरसाइकिल पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। ये देखो क्या खतरनाक वाला तबाही। फाइनली यार घर आ गया और ये है न्यू कार। सो फिलहाल तो भाई खेड़े बाबू जमात देख रहे हैं और ये है बलेनो जो कि नई गाड़ी है भाई और की। सो देख सकते हो आप क्या तो वही लग रही है यार सीन, मतलब खतरनाक लग रहा है। न्यू बिल्कुल न्यू वन न्यू टॉय। यहाँ शालवीर भाई साहब फोटो खींच खींच के भेजे हैं हमें, मैंने कहा था वैसे से। ये देखो भाई साहब तो वही लग रही है बिल्कुल खतरनाक। फाइनली यार खाना बन चुका है, मिक्स वेज है और थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई है। सो देख सकते हो आप थोड़ी खिचड़ी रोटी खिचड़ी खाऊंगा बस।